मिनट आपके पास में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एक दो घंटा लगा, एक दो घंटा, इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है भाई। मैं आप लोगों के लिए 15-20 मिनट बातचीत करूँगा। हमारे जो नए साथी कितने जो पहली बार है, नए साथी पहली बार जो आश्रम में जुड़े हुए हैं उनको तो आश्रम के बारे में जानकारी है, लेकिन जो आश्रम में नहीं जुड़े हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मेरा नाम रणवीर सिंह है, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ टाइम से इस दुनिया के फूड सिस्टम को सीख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। मेरे जो ग्रेट गुरुदेव हैं मिस्टर राव अजीत सर जी, जिन्होंने सिस्टम ऑफ मार्केटिंग से MBA किया, यूरोप में रहकर उन्होंने सिस्टम को समझा, समझने के बावजूद इंडिया में इसको डेवलप किया। वो भी एक ही बात कहते हैं, मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं होता किसी भी काम में, जो व्यक्ति बोलता है तो सब जानता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी प्रोग्रेस खत्म हो गई है। हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। इसका नाम क्या है जी? आरसीएम। सिर्फ आप नाम से वाकिफ है, इसके 500 वाकिफ नहीं है। अभी हमारे बीच में जो नए व्यक्ति है मैं उससे बातचीत करूंगा। किनसे करूंगा? जो नए व्यक्ति है। अभी सर ने भी बताया, बस साहब जी ने भी बताया, डॉक्टर बी आर पदक सर जी ने भी बताया, वो सारे साथी है उन्होंने बताया, आपने भी बताया, अपने बारे में अपना परिचय दिया। एक चीज मैं आपसे बात करता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को नौकरी करनी है क्या करनी है? अगर नौकरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको नौकरी करने के लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी। राइटिंग को लिखना उन्होंने जाना, तो मैं बोलता रहूंगा उसमें ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी मिल जाए, कोई जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमें बिजनेस करना है तो पढ़ाई, अगर हमें बिजनेस करना है तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी लेकिन वो बिजनेस, पढ़ाई नहीं करी है लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा क्या खास बात है कि नौकरी करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी? अगर आपको वकील बनना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन कमाल की बात है कि बिजनेस करना हो तो पढ़ाई करनी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत बड़े बिजनेस चला रहे। यहाँ क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी के बारे में तो आप पकड़ गए कि बहुत सारे व्यक्ति हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं आ रही। लेकिन बिजनेस किया जा सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर की बिजनेस की जो दिशा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं। एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है, हम सब व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या है? खराब है। वो पढ़ा लिखे हो अनपढ़ हो, क्या हो? खराब है। वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो, क्या हो? खराब है। यानी हम सब क्या है? हम सब खराब है। दो तरीके के ग्राहक हो, उनके भी नाम देंगे आपके सामने। एक तो ये ग्राहक है, इसे कस्टमर भी कहते हैं, कस्टमर भी कहते हैं ना ग्राहक। ये कहना शब्द है, ये इंग्लिश का कस्टमर, जिसके सारे अर्थों को ग्रहण लग जाते हैं उसे बोलते हैं कस्टमर, ग्राहक भी उसको बोलते हैं। और दूसरा एक होता है पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर। पार्टनर का मतलब क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर। अभी हमने एक चीज देखी है कि हमारे भारत के अंदर दो तरीके की कैटेगरी है। एक तो ये दुकानदार भाई है, कौन? अजीत दुकानदार भाई है।
किसका व्यवहार अच्छा चलता है तो दूसरों को बताते हो कहाँ जाएगा लेने के लिए, वो भी नहीं जाएगा, और तीसरे को बताते हो कहाँ जाएगा। अगर आपके नजर में कोई भी दुकान खुलती है और कोई एक व्यक्ति जाता है तो दूसरे को बताएगा, जब तक पता लगा तब जाकर दुकानदार के पास यहाँ जाता है। तो यह क्या हो रहा, जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है इस दुकानदार की सेल बढ़ती जा रही है, ऐसा ही ना, जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है तो दुकानदार की सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट किसका हो रहा है, दुकानदार का ही। मेरी बात से सहमत है, किसी का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दूसरी जगह पर क्या है कि यहाँ पे भी एक दुकानदार, जैसे कि यहाँ पे सेंटर है, आरसीएम का सेंटर है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक दुकान है, ये भी एक दुकान ही है। यस सर। यहाँ पे क्या किया, एक व्यक्ति गया पैसे दे पाया सामान ले गया, दूसरे को बताया वो भी गया पैसे दे पाया सामान ले गया, तीसरे को बताया पैसा दिया सामान ले गया, अच्छा व्यवहार लग रहा, चौथे को बताया वो भी गया पैसा दिया सामान ले गया। सेम काम यहाँ हो गया, सेम काम यहाँ हुआ, अलग तो कुछ नहीं है। यहाँ पैसा देकर इसकी सेल बढ़ रही थी, यहाँ पैसा देकर इसकी सेल बढ़ रही थी। इस ग्राहक को क्या मिला, ग्राहक को क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला। यहाँ भी पैसा दे रहा था, यहाँ भी पैसा दे रहा था, लेकिन कमाल की बात क्या हुई, इनके नाम तो अलग अलग है, ये है क्या कस्टमर और ये है क्या डिस्ट्रीब्यूटर, ये समझने का विषय है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो ये डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, पार्टनर, हिस्सेदार, और यहाँ कोई हिस्सेदार नहीं है, यानी कि यहाँ पर किस चीज की हिस्सेदारी की। भाई मैंने यहाँ तक अगर आप सामान खरीदते हो तो सामान खरीदने का आपको 45% तक वापस मिला था, कितना पैसा 45%, और यहाँ तक हम सामान खरीदते तो पैसा वापस नहीं मिलता, यहाँ इनको मिलता, ऐसा ही तो होता है। आप अनपढ़ को, अनपढ़ कोई है व्यक्ति, हाँ आप अच्छा, और फिर कोई है, आप देखो कमाल की बात है, जब तक जिंदगी रहेगी उसके बाद आपका बच्चे करना तो पड़ेगा, हम रहे या ना रहे लेकिन बच्चों को तो करना पड़ेगा। एक चीज मेरे को बताओ, जब तक हमारे पड़े बुजुर्गों ने यहाँ से सामान खरीदा के कहीं से पैसा आया नहीं आया ना, लेकिन जिन्होंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पढ़कर यहाँ से सामान खरीद दिया उनके पास पैसा आया। अभी संतोष बहन जी आई थी, इन्होंने क्या बोला था, 500-700 रुपये का सामान खरीद तो 80-90 रुपये मेरे खाते में, ऐसा ही ना, गलत तो नहीं बोला, ऐसे ही राहुल सिंह जी आए थे, इन्होंने बोला कि सामान खरीदते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर में पैसा भी आता है, यानी क्या है डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान ही खरीद रहा, वो भी लोगों को बता रहा, और लोगों को बताने से उनके पास पैसा आ रहा और यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से खरीदना है ना, और कब तक आएगा इस सामान को, अगर हमारी नई पीढ़ी आएगी वो भी खरीदेगी, यानी पैसा जो आएगा वो जीवन के साथ भी आएगा और जीवन के बाद भी आएगा। आते हुए एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो कुछ लोग ना भगवान शनि का बहुत पूजा पाठ करते हैं और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, और कुछ लोग क्या करते हैं लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, इसकी करते हैं लक्ष्मी देवी। अब दोनों का अलग अलग हो गया, एक लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी देवी की कला शनि महाराज नहीं लग रहा, तो शनि महाराज और लक्ष्मी देवी का एक तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, लेकिन शनि महाराज को अपने पर घमंड हो गया इस चीज का कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, क्या हूँ मैं सुंदर, मैं बहुत सुंदर, और लक्ष्मी देवी को इस बात का घमंड हो गया कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। अब आप बताओ मुझे कि सुंदर कौन सा, कौन सुंदर, लक्ष्मी देवी सुंदर है, शनि महाराज सुंदर है, अगर लक्ष्मी देवी सुंदर है और शनि महाराज सुंदर नहीं है और शनि का कर चक्कर चढ़ गया तो अजी
लक्ष्मी देवी होगी क्या? लक्ष्मी देवी होगी क्या? अगर शनि का चक्कर पड़ेगा तो लक्ष्मी देवी तो आने वाली नहीं है। और भाई अगर शनि को बता दिया कि भाई आप सुंदर हो तो लक्ष्मी देवी नहीं आएगी, लक्ष्मी को बता दिया तो शनि देव चढ़ जाएंगे, है ना। तो इनके ऊपर जब बहस हुई तो बहस होने के बावजूद उससे पूछेगा कि भाई आप सुंदर हो, बोला कि मैं सुंदर हूँ, तो मैं बोला भाई इसका निस्तारण हम तो कर नहीं सकते, चलो किसी से इसके बारे में पूछते हैं। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा आसपास में, कहाँ जाएगा पूछने के लिए? सब तो दीदी को बताएगा ना किसको नारद मिलेगा, किसे बनाना, चलो भाई नारद मिलने के पास चलते हैं, उनको बताएंगे कि हम सुंदर हो। तो दोनों चले जा रहे थे आगरा के, लक्ष्मी देवी पीछे पीछे तो नहीं मारा। तो नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि देखते खड़े हो गए, गड़बड़ है आगरा के लक्ष्मी देवी और पीछे पीछे शनि महाराज, क्या हुआ? तो बोलने लगे कि नारद मुनि जी एक चीज हमें बताओ, हमारा दोनों का समझौता करो कि हम सुंदर हो। नारद मुनि इसको बता दे ये सुंदर है तो ये नारा, और इसको बता दे तो ये नारा। देखो मेरे बस की बात नहीं, एक काम करो आप भगवान विष्णु जी के पास चले जाओ, आपका निवारण तो वही करेंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, वहां से निकले और भगवान विष्णु जी के पास चले गए। और भगवान विष्णु भगवान जी देखते खड़े हो गए, गड़बड़ वाली बात है, ऐसा नहीं महाराज भी आ रहे, लक्ष्मी जी भी आ रही। तो उन्होंने बोला कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक ही बात रखी कि जय तो बात में करना, यह बताओ मैं सुंदर कौन है, हमारा तस्तिया नहीं हो पा रहा। उसने क्या बोला, भगवान जी ने क्या बोला, कहना भाई इसका इलाज मेरे पास, आप एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वो तो सबका देख रेख करने वाले, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, उन्हें तो इजाजत नहीं मिली थी, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। जब उन्होंने ये बात पूछी, ना तो वो उसे बता सकते ना वो उसे बता सकते, अब करें तो करें। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई एक काम करो, आप वापिस चले जाओ पृथ्वीलोक में, और वहां पर एक किसान आपको मिलेगा और वो आपको बता सकता है कि आपको सुंदर हो। मैं मिलेगा किसान, और किसान बेचारा पड़ा, उसकी बहनी ने बताया ये कल पड़ा कि जैसे वो चले आ रहे तो रास्ते में किसान भाई अपने जो खेत की जुताई कर रहा था पैन को रोक कर पेड़ के नीचे बांध रखा था, आराम से रोटी खा के लेटता हुआ। अब जैसे ही लक्ष्मी देवी आई तो किसान भाई तो देखकर खड़ा हो जाने को, लक्ष्मी देवी आ गया होगा, लेकिन ये नहीं जान करे कि पीछे पीछे शनि महाराज भी आ रहे, पीछे देखा घूम कर शनि महाराज भी आ रहे, चक्कर हो गया किसान भाई। उसने बोला कि भाई एक काम बताओ कि हम इसलिए आए हैं, हम गए पहले किसके पास में, नारद मुनि जी के पास, फिर गए हम विष्णु भगवान जी के पास में, फिर गए हम ब्रह्मा जी के पास में, लेकिन वहां हमारा निवारण नहीं हुआ। किसान भाई को बताएगा कि भाई ये बताओ कि हम सुंदर कौन है। किसान भाई ने पता क्या बोला, ये तो बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है, चुटकियों की बात, अभी बता तो दो मिनट पहले भी करना क्या पड़ा, बस एक काम करना, वो जो नीम का पेड़ खड़ा हुआ ना उसको तो एक एक ताली दोनों तोड़ दो, क्या लानी एक एक ताली तोड़ कर लानी। लक्ष्मी देवी भी चल दी और शनि महाराज भी चल दिए, और जैसे वो वापिस आ रहे थे पहले तो शनि देव आए, उन्होंने आते ही किसान भाई के हाथ में उन्होंने नीम की ताली पकड़ाई कि बताओ सुंदर कौन है। कहने की शनि महाराज बताओ कौन सुंदर है, कहने को बताओ कि जब आप नीम की ताली तोड़ने के लिए जा रहे थे जब आप बहुत ही सुंदर नजर आ रहे थे, जब आप नीम की ताली तोड़ने के लिए जा रहे थे उस टाइम आप बहुत सुंदर नजर आ रहे थे। तो शनि महाराज बहुत खुश हो गए, लक्ष्मी देवी आई, लो जी बताओ हम तो सुंदर हो, कि लक्ष्मी देवी जब आप नीम की ताली तोड़ कर आ रहे थे जब आप बहुत सुंदर नजर आ रहे थे, दोनों प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बावजूद आपको पता है कि लक्ष्मी देवी अति ही सुंदर नजर आती है और शनि महाराज जाते सुंदर नजर आते हैं।